रास्ता आप तरीके से कर रहे हो, एक भी दुकान नहीं खुली है, मैंने मेरा प्रचार, मैं बहुत कट्टर आदमी हूँ, मैं भी कट्टर, मैं भी बहुत कट्टर आदमी हूँ, मैं सचिन नहीं सचिन समझो स्थिति को समझो, जो क्षेत्र हिंदू हृदय सम्राट का है उसके काल में पुष्प भरेंगे, जो छवि आप नहीं बिक रहा है, बिक रहा है, मैं वीडियो दिखाता हूँ, मैं वो बिरयानी थी, बिरयानी में मांस था। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज आपके लिए वो सारी बड़ी खबरें लाया हूं जो आपके लिए जरूरी है और जिससे पता चलता है कि किस तरीके से यूपी में पुलिस के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है और पुलिस प्रशासन किस तरीके से गुंडों के साथ मिला हुआ है, उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है। एक एक करके सब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने रमजान में जो सरकारी इंप्लॉय हैं उनके लिए 2 घंटे की छूट दी थी कि 2 घंटा पहले उनको छुट्टी दी जाएगी क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। एमसीडी में क्योंकि बीजेपी है और बीजेपी तीनों एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है, पहले तो दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी में ये नोटिस सर्कुलर जारी कर दिया गया कि मुसलमानों को, जो मुस्लिम एम्प्लॉयज है उनको छुट्टी दी जाएगी, लेकिन बाद में दबाव बना और उनको कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसे हालात है लगातार, एक तरफ आप नवरात्रि पे मीट बैन कर देते हैं पूरी दिल्ली में, वहीं दूसरी तरफ रमजान में अगर किसी मुसलमान एम्प्लॉय को 2 घंटे पहले छुट्टी दी जाती है, उसको छूट दी जाती है, तो वो एक तरफा कार्रवाई बताकर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये भारत का आज सेक्युलरिज्म है जिसकी, जिसमें हम जी रहे हैं और जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ भी कहे यही हकीकत है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन गुंडों के साथ मिला हुआ है, जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, वो सबके सामने है। लगातार यूपी से ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि जहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है या उनको हैरेस किया जा रहा है। अब ये वीडियो सबूत है कि किस तरीके से एक इंस्पेक्टर किसी सचिन कार्तिक के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि इनको चाहिए था कि उनके ऊपर कार्रवाई करते और उनको जेल में डालते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले इनकी जरा ये वार्तालाप सुनिए किस तरीके के इनके बीच में चर्चा हो रही है। मैं भी कट्टर आदमी हूँ, मैं सचिन नहीं सचिन समझो, स्थिति को समझो, जो क्षेत्र हिंदू हृदय सम्राट का है उसके काल में पुष्प भरेंगे, जो छवि आप नहीं बिक रहा है, बिक रहा है, मैं वीडियो दिखाता हूँ, मैं वो दाल नहीं थी, वो बिरयानी थी, बिरयानी में मांस था, बिल्कुल मांस नहीं, साफ साफ 100 बार धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं, 100 बार गिरफ्तार, 100 बार फांसी, कोई दिक्कत नहीं है। मीट की दुकानें खुलेंगी साली सरकारा में, फायदा क्या बैंक का, तो सुना आपने। दरअसल मामला है, अभी आपने देखा होगा कि मैं गाजियाबाद में एक वेज बिरयानी वाले का ठेला पलट दिया था क्योंकि वो मुसलमान था और वो लगातार कह रहा था कि इसमें वेज बिरयानी है, इसमें मीट नहीं है, फिर भी उसके बाद भी सोम सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसका ठेला पलट दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें मीट है, लेकिन हकीकत ये थी, सबके सामने जब पता चला, उन्होंने देख को दिखाया खोल के, तो उसमें वेज बिरयानी थी। अब वैसा ही मामला आ रहा है मेरठ में। मेरठ में आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक इंस्पेक्टर साहब किस तरीके से सचिन कार्तिक नाम के जो सोम सेना का कार्यकर्ता है उसको समझा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझसे कट्टर कोई है क्या, मैं तुमसे ज्यादा कट्टर हूं, सिचुएशन को समझो सचिन। तो आप समझ सकते हैं कि इन गुंडों के सामने प्रशासन, पुलिस सब कितने लाचार हैं और बेबस हैं। होना तो ये चाहिए था उनके 2 डंडे मारकर जेल में डालती, उनको बंद करती, क्योंकि वो 2 समुदाय में हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो इसलिए सोम सेना हो या बजरंग दल हो या इस तरीके के जितने भी संगठन है वो खुले में गुंडागर्दी कर सकते हैं। जब ऑफिशियली एक नोटिस जारी हो गया है कि मीट की दुकान नहीं खुलेगी, उसके बावजूद भी ये जो इस तरीके की सेनाएं हैं उनको कार्रवाई करने की क्या जरूरत है। जब प्रशासन ने और डीएम ने नोटिस जारी कर दिया है कि मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी तो नहीं खुलेंगी, अगर वो कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर लीगल तरीके से कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इन गुंडों को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोगों के जाकर ठेले पलट रहे हैं। अब आते हैं अगली वीडियो पर। अगला वीडियो देखिए, ये है डॉक्टर कफील खान का। कफील खान एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं जिसको लेकर उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है।
कफील खान ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, 6 किलोमीटर की दूरी पर 6 बार गाड़ी की तलाशी, कहते हैं गाड़ी पैसों से भरी है, ऐसी सूचना है, मिला हर बार सिर्फ नवरात्र की मिठाई, इफ्तार खोलने के लिए कुछ खजूर और किताबें। बोले, डॉक्टर साहब ऐसे कैसे चुनाव जीतेंगे? मैं बोला, सत्ता की घबराहट तो ये संदेश दे रही है कि मैं चुनाव जीत गया। वीडियो में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंस्पेक्टर साहब किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालात है, अगर आप चुनाव भी लड़ते हैं तो आपको परेशान किया जाएगा। इनकी भी जरा थोड़ी सी बाइट सुन लीजिए। सही हूँ, ठीक है, आराम से ही हूँ, तो हमारा काम जो है वो करने दीजिए। करिए करिए करिए, आराम से करिए। हमारा जो है वहाँ पे हमने, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो मैं कहाँ काम से, आप शांति से खड़े रहिए। मैंने कहा है वहाँ पे 100 लोगों को मेरे काम, पुलिस के काम में बाधा मत डालो। मैं तो दूर खड़ा हूँ, समझ गए? चलो वहाँ जाओ, जाओ वहीं से लो, जो करना है करो। दूर खड़ा हूँ मैं आपसे, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? तो सुना आपने किस तरीके से डॉक्टर कफील खान के साथ बदतमीजी की जा रही है और उनकी उनको परेशान किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। लगातार 6 किलोमीटर के अंदर 6 बार गाड़ी चेक हो चुकी है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना घबराए हुए हैं। अब बात करते हैं उस पर जो मीडिया आपको नहीं बताएगा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर मुर्तजा नाम का एक व्यक्ति फरसा लेकर, दराती लेकर मंदिर में घुसने की कोशिश करता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब उसको ATS के हवाले कर दिया गया है, उसको लखनऊ ले जाया गया है। अब उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो जाकिर नायक की वीडियोस देखता था, ये जो भी था। लेकिन एक बात समझिए, वहीं दूसरी तरफ शामली में एक व्यक्ति पकड़ा जाता है AK-47 के साथ, 1400 से ज्यादा उसके पास बुलेट्स होती हैं, लेकिन उसका नाम तक नहीं आता है। वहीं अगर मुर्तजा गोरखपुर में दराती के साथ पकड़ा जाता है तो उसका लिंक ISIS से जोड़ दिया जाता है और उस पर इंक्वायरी बिठा दी जाती है। लेकिन वहीं पिंटू सिंह AK-47 के साथ शामली में पकड़ा जाता है तो उस पर चर्चा तक नहीं होती है, मीडिया उसका नाम तक नहीं लिखता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यकीनन अगर मुर्तजा किसी ऐसी संगठन से जुड़ा हुआ था या संपर्क में था तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है पिंटू भाई की, जो AK-47 लेकर घूम रहे थे, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। आखिर इतना बड़ा असला कहां से आया, कौन इनको इतना सारा असला दे रहा था और ये क्यों खुले में लेकर घूम रहे थे, इनको क्या जरूरत पड़ी AK-47 रखने की, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इनको भी सजा मिलनी चाहिए, इनका भी नाम लिखा जाना चाहिए, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन नहीं होगी, मुर्तजा है तो उसको ISIS से जोड़कर पूरा दिन डिबेट चलाई जाएगी, लेकिन अगर कोई पिंटू है तो उस पर बहस नहीं होगी, चाहे वो AK-47 लेके घूम रहा हो या ग्रेनेड लेके घूम रहा हो, चाहे वो कहीं ले जाकर फोड़ भी दे, उस पर बहस नहीं होगी। अगर आप सच के साथ हैं तो यकीनन मुर्तजा पर भी कार्रवाई कीजिए, उस पर भी इंक्वायरी कीजिए और जो पिंटू है जो AK-47 के साथ पकड़ा गया है उस पर भी कार्रवाई कीजिए। यही इंसाफ का तकाजा है, तभी इंसाफ हो पाएगा और समाज में और सबके पास एक साफ संदेश जाएगा कि ये जो सरकार है वो सबके साथ है, सबका विकास करेगी और सबके साथ इंसाफ करेगी। तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से मेरठ में इंस्पेक्टर साहब एक गुंडे के सामने नमस्तक हो रहे हैं और वो अपने अंदर की कट्टरता को बयान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कफील खान जो MLC का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। वहीं अगर मुर्तजा गोरखनाथ में पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है और वहीं शामली में कोई पिंटू पकड़ा जाता है तो उसकी चर्चा तक नहीं होती है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताई। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।